जेन्युइन रेट्स बताऊंगा जो मेरे को एक्चुअल पड़ रहे हैं। तो ये 1600-1650 रुपए का ये मुझे ऑयल दे रहे हैं। आपको अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ानी है और गाड़ी की इंजन को बरकरार रखना है जिसकी अच्छे से रहे, जैसे कि आप देख सकते हो ये हुंडई का है और ये जो है एयर फिल्टर ये मेरे को पड़ रहा है 250 रुपए का। ये जो होता है विंडशील्ड के लिए होता है। आपको ऑयल के बारे में बता रहा था कि बहुत लोगों को ऑयल के बारे में नहीं पता होता, जैसे कि आप देख सकते हो अभी अगर आप उंगली डाल के ऑयल के अलग दिखाऊं तो आप देख सकते हो थिक हो गया है। तो मात्र 200 रुपए के अंदर गाड़ी की सर्विस करते हैं। तो गाइस स्वागत है आपका 47 नेशन में और मैं हूँ अतीक आपके साथ। तो गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है कार सर्विस के ऊपर। तो आज हो रही है पूरी i20 की सर्विस मेरी और सर्विस के अंदर सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको कि सर्विस के अंदर क्या क्या काम होता है और सर्विस के अंदर क्या क्या जरूरत पड़ती है आपको और क्या क्या काम आप गाड़ी के अंदर करा सकते हो। तो अभी आया हूँ मैं यहाँ पे अमजद भाई की शॉप पे और ये है अमजद मलिक कार डेकोर जो कि है मालवा नगर के अंदर। बेस्ट सर्विस दिखाऊंगा कि कम से कम कॉस्ट के अंदर कितने में सर्विस हो सकती है। हाँ जी क्या लकड़ी से मत करो, कील भी लग जाएगी पैर में आपके। तो गाइस सर्विस के अंदर जो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है आपको ऑयल की। जो आप ऑयल देख सकते हो 3.5 लीटर है, सिंथेटिक ऑयल है और एक कैस्ट्रोल का सबसे बेस्ट ऑयल है जो मैं ये अपनी गाड़ी के अंदर डलवा रहा हूँ। जेन्युइन रेट्स बताऊंगा जो मेरे को एक्चुअल पड़ रहे हैं। तो ये 1600-1650 रुपए का ये मुझे ऑयल दे रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो है मेरे को मैंने ये गाड़ी के अंदर ये डलवाया, जरूरी नहीं है बट अगर आपको अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ानी है और गाड़ी की इंजन को बरकरार रखना है जिसकी अच्छे से रहे तो आप ये ल्यूब डलवा सकते हो गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल फ्लश करता है पूरा का पूरा। तो ये ल्यूब डलवाया, इससे आपका क्या होता है आप यहाँ पूरे आप इसके बेनिफिट्स पढ़ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। और भी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर बट मैं 2 बार से डला रहा हूँ तो मुझे अच्छी परफॉर्मेंस गाड़ी के अंदर मिल रही है। इंजन ऑयल के अंदर इसको आप डाल देंगे, डालने के बाद आपको 10 मिनट गाड़ी स्टार्ट रखनी है सर्विस से पहले। इंजन ऑयल जो है पूरा ड्रेन कर देंगे। इंजन ऑयल ड्रेन करने के बाद सबसे पहले जो होता है अपना ऑयल फिल्टर गाड़ी के अंदर जो आपको चेंज करवाना चाहिए गाड़ी के अंदर। मेरी गाड़ी हुंडई की i20 है तो i20 के अंदर मैं ऑयल फिल्टर इसका ओरिजिनल डला रहा हूँ। ये जो जेन्युइन पार्ट जो है मैं अंदर गाड़ी के अंदर डला रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये हुंडई का है और ये जो है एयर फिल्टर ये मेरे को पड़ रहा है 250 रुपए का। और 250 रुपए में मतलब एक तरीके से लगा लो 1650 रुपए, 80 रुपए और 250 रुपए का ये हो गया। और साथ में जो मैंने डलाया ये मेरे को पड़ा है 350 रुपए का, ये मैंने अलग से डलाया। बट आप अगर आपको बेसिक सर्विस करानी तो बेसिक सर्विस के लिए ये 3 चीज काफी होती है। साथ में मैं गाड़ी के अंदर अपने प्लग्स भी चेंज करा रहा हूँ, जो प्लग्स मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं ये NGK के प्लग अपनी गाड़ी में चेंज करा रहा हूँ जो कि मेरी गाड़ी में लगेंगे 4 और एक प्लग मेरे को 80 रुपए का पड़ रहा है। मैं ये ऑयल जो डला रहा हूँ ये है 10,000 किलोमीटर वाला, आप इससे कम वाला भी डला सकते हैं 5,000 किलोमीटर, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 या 15,000 मैक्सिमम भी जा सकते हैं। बट ये वाला जो है मेरा ये 10,000 से 12,000 है। बट मैं अपनी गाड़ी की सर्विस इंजन अच्छा रखने के लिए 8 से 10 में करा देता हूँ। तो चलते हैं पूरा देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इसके अंदर। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन होने के अंदर। तो भाई ये आ गया, भाई आए सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को। भाई सब्सक्राइब कर रहे हो ना? हाँ भाई। तो भाई अगर आप भी सब्सक्राइब कर दो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी कर देना। तो 4 प्लग निकाल रहे हैं पूरे के पूरे, यहाँ से प्लग निकल जाएंगे, प्लग निकलने के बाद नए प्लग लग जाएंगे। प्लग की हालत दिखाता हूँ कि पुराने वाले प्लग की हालत कैसी हो रही है फिलहाल। तो आप देख सकते हो व्हाइट है तो ये बोल रहे हैं कि अच्छी माइलेज दे रही है गाड़ी, तो ये अच्छी बात है। अगर ये काला होता तो मतलब आपकी माइलेज सही नहीं दे रही है गाड़ी। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो कि गाड़ी का जो है ये एयर फिल्टर है अभी भी, फिर भी इसकी हालत नॉट बैड, बहुत ठीक है। लास्ट टाइम तो बहुत बुरा निकला था, एकदम काला खतरनाक, और फिलहाल फिर भी ठीक है ये बहुत ज़्यादा अभी इस बार। बट ये है कि टाइम टू टाइम गाड़ी की सर्विस कराओ, गाड़ी का इंजन जितना अच्छा रहेगा उतना गाड़ी अच्छी आपको माइलेज देगी और गाड़ी अच्छा रिस्पांस देगी चलने में भी। तो ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये होती है पूरी एयर फिल्टर का सेक्शन, यहाँ के अंदर पूरा एयर फिल्टर लग जाता है। एयर फिल्टर हमारा ये रहा पूरा का पूरा नया लग रहा है इसके अंदर। और ये जो है जब भी आप ये लगवाते हो तो इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है प्रॉपर तरीके से साफ रहे, इसके अंदर धूल मिट्टी ना हो। जैसे भी थोड़ा बहुत इसके अंदर गंद दिख रहा है पूरा पूरा साफ कर देंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे। तो पूरा साफ करेंगे उसके बाद लगाएंगे इसको, और उसके बाद हम लगाएंगे इसके अंदर ऑयल फिल्टर। देख सकते हो ये पूरा का पूरा पैकिंग के अंदर आता है, प्रॉपर तरीके से पैक्ड होता है। और ये होता है पूरा हुंडई का किया, इसकी जो पेरेंट कंपनी है तो ये ओरिजिनल है। इसके अंदर जो लग रहा है ऑयल फिल्टर और ये लगाते हैं इसको, ये भाई दिखाएगा मेरा घनश्याम कहाँ लगेगा, ये लगने के बाद दिखाता हूँ कि ये कहाँ लगता है इसके अंदर। तो ये जो ऑयल फिल्टर की फिटिंग होती है वो होती है नीचे से, मैं भी दे रहा हूँ घनश्याम को कैमरा, घनश्याम दिखाएगा कि ये कहाँ लगेगा। ये डल रहा है मेरा ऑयल और ऑयल अभी खोल रहा है पूरा का पूरा है, देख लो आप, जैसे कि सील्ड पैक है। अभी सील खुलेगी इसके अंदर और इसके अंदर निकल सकता है 100 रुपए का इनाम भी। तो मेरे भाई के निकले हैं 1 करोड़ रुपए, दिखाओ बाहर निकाल के दिखाओ, पकड़ो इसको। तो इनके निकले हैं एक, अरे ये तो 100 रुपए हैं, चलो 100 रुपए निकले हैं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये है घनश्याम भाई का कूपन, घनश्याम भाई 100 रुपए जीते हो आप। कैसा लग रहा है आपको 100 रुपए जीत के, अच्छा लग रहा है? जब भी आप गाड़ी की सर्विस करा रहे हो एक बार चेक कर लो कि आपकी गाड़ी के अंदर ब्रेक ऑयल वगैरह है कि नहीं। तो ब्रेक ऑयल आप देख रहे हो, जैसे कि ब्रेक ऑयल डल रहा है पूरा का पूरा इसके अंदर जो कि है बॉश कंपनी का, आपको नजर आ रहा होगा। तो जितना भी इसके अंदर होता है जरूरत उतना ही डाल देते हैं। तो ये पूरा डब्बा है इनके पास, ये तो अभी जो है इसके अंदर डाल रहे हैं। वह छोटा डब्बा भी आता है जो आपकी गाड़ी के हिसाब से होता है। तो आप देख रहे हो जैसे कि ये अभी थोड़ा थोड़ा करके अपने आप अंदर चले जाएगा इसके। आपको ऑयल के बारे में बता रहा था कि बहुत लोगों को ऑयल के बारे में नहीं पता होता, जैसे कि आप देख सकते हो अभी अगर आप उंगली डाल के ऑयल के अलग दिखाऊं तो आप देख सकते हो थिक हो गया है। तो जब ऑयल थिक होने लग जाता है गाड़ी के अंदर तो इसका मतलब वो ग्रीस बनना चालू हो जाता है, हार्ड हो जाता है और गाड़ी का इंजन जो है
पकड़ करना चालू कर देता है ऑयल को। जब ऑयल पकड़ता है तो ऑयल पकड़ने से क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो है माइलेज पे इफेक्ट पड़ता है और गाड़ी का जो इंजन होता है वो बहुत धीरे घूमने लग जाता है फास्ट की जगह, और बहुत ज़्यादा ताकत लेता है, पावर लेता है फिर उसके लिए, और पावर लेगा तो आपका पेट्रोल ऑब्वियसली बात है ज़्यादा लगेगा। तो ऑयल टाइम टू टाइम चेंज कराएं। वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था जो मैंने ल्यूब गाड़ी के अंदर डाला था, उस ल्यूब का ये भी फायदा हुआ है कि गाड़ी का ऑयल जो है पूरा पूरा काला निकला, इंजन का जितना भी गंद है सारा का तारा खींच लिया, और आप देख सकते हो पूरा काला होके गाड़ी के अंदर से आया है और ऑलमोस्ट जो है गंद सारा का सारा इसने निकाल दिया गाड़ी में से। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर अभी कूलेंट कम है मेरी गाड़ी के अंदर, जब आप सर्विस कराते हो तो ये सब चीज़ें भी चेक कर लिया करो। तो अभी आप देख सकते हो कूलेंट कम है, ऊपर तक पूरा भर जाएगा तो इसका मतलब ये कूलेंट पूरा हो जाएगा, तो अभी कूलेंट भी इसके अंदर डलवा लेते हैं साथ में। अभी जो इनके पास जो है लूज पड़ा हुआ था तो मैं भी वो डाल रहा हूँ थोड़ा सा इसके अंदर, क्योंकि मेरी गाड़ी में ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा की जरूरत है। तो अभी देख सकते हो पूरा का पूरा टॉप अप हो गया, इतना फुल होना चाहिए गाड़ी के अंदर। आप भी अपनी गाड़ी में चेक कर लो। तो मैं आपको कंपनी दिखा देता हूँ कि जो मैंने इसके अंदर गाड़ी के अंदर डाला है, तो यह गोल्डन क्रूजर करके कोई कंपनी है, इको सेफ है, और ये जो है बेसिक कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप कोई से भी डला सकते हैं। कूलेंट की कॉस्ट बताऊँ तो 100 से 150 रुपये के अंदर आराम से अवेलेबल हो जाता है मार्केट के अंदर ये कूलेंट अगर, और आप कंपनी के ऊपर जाएंगे तो महंगा भी हो सकता है वो। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो रेडिएटर के लिए जो है यहाँ पे कूलेंट दो जगह डलता है, एक डलता है यहाँ पे और एक डलता है यहाँ पे, तो ये दोनों तरफ फुल होना चाहिए। अगर ये नहीं फुल होगा तो अमजद भाई क्या हो सकता है, इससे गाड़ी चीज हो सकती है, गाड़ी हीट हो जाएगी, ये कूलेंट नहीं होगा तो गाड़ी के अंदर, और बोतल की सर्विस बोतल है उसमें भी कूलेंट रहना चाहिए हाफ भरा। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो ये जो होता है विंडशील्ड के लिए होता है, विंडशील्ड वॉशर, तो एक फ्लूड ऑयल है, तो गाड़ी के अंदर ये पूरा शैम्पू एक तरीके से बेसिक है, तो गाड़ी के अंदर डालता है 30 रुपये का आता है, और इसके अंदर उन्होंने पूरा डाल दिया। जैसे कि आप देख सकते हो कलर इसका जो है अभी नीला हो गया है, इससे क्या होता है आपका शीशे जो है क्लियर रहेंगे, और जो है इसका एक सोल्यूशन होता है इसके अंदर जिससे गाड़ी के शीशे गंदे नहीं होते, और आप जब भी आप इसको यूज़ करेंगे पानी आएगा उसके अंदर से तो जल्दी साफ हो जाएगा, मिट्टी वगैरह जो है गाड़ी पे से हटा देगा। तो 30 रुपये का मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है गाड़ी के अंदर, आप ये डलवा सकते हैं जब आपको गाड़ी का, आप जब भी ये करते हैं तो एक पैकेट 30 रुपये का मेरे हिसाब से इनफ रहता है एक बार के लिए। गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी हुई है, सारी की सारी गाड़ी डन हो गई है, पूरा काम डन हो गया सर्विस का। थैंक यू सो मच घनश्याम मेरे भाई, तूने बहुत सा काम किया है, थैंक यू सो मच भाई। है यहीं पे हमारे, यहीं पे ये काम करता है और बहुत बढ़िया काम करता है एकदम दिल लगा के। तो गाड़ी का इनका ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाता है गाड़ी का इनके पास। तो ये दुकान जो है इनकी मालवा नगर के अंदर है, इनका मैं एड्रेस डाल देता हूँ। अभी इनका एरा पूरा का पूरा, इसके ऊपर नंबर वगैरह मिल जाएगा आपको। ये एसी का और गाड़ी का मैकेनिकल काम सारा करते हैं गाड़ी के अंदर, ऑल मैकेनिकल जॉब जैसे कि लिखा हुआ है इसके अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर पे कॉल करके हम भाई के पास आ सकते हो, रीजनेबल रेट्स हैं, मात्र 200 रुपये के अंदर गाड़ी की सर्विस करते हैं, जिसमें उन्होंने मेरी गाड़ी की ऑलमोस्ट पूरी सर्विस करी है। और मेरा जो ऑलमोस्ट गाड़ी के अंदर मैं आपको खर्चा बताऊं तो टोटल मिला के मेरा गाड़ी के अंदर खर्चा है 2100 रुपये के आसपास अप्रॉक्सीमेटली मेरा खर्चा है गाड़ी के अंदर। इसके अंदर ऑयल, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर आता है, और ऑयल जो इसके अंदर मैंने महंगा वाला डलवाया तब भी इसके अंदर जो है मेरे को इतना कॉस्ट आया। अगर मैं इसके अंदर 1300 या 1200 वाला ऑयल डलवाता तो वो 200-300 रुपये मेरे और कम हो जाते और मेरे को 1700-1800 रुपये कॉस्ट आती। बट अभी जो है मैंने इसके अंदर सिंथेटिक डलाया जो कि है 1650 रुपये का सिर्फ ऑयल, और 80 रुपये का मुझे पड़ा इसका जो है ऑयल फिल्टर, और 220 रुपये का जो है इसका एयर फिल्टर मेरे को पड़ा है। तो पूरी सर्विस डन हो चुकी है गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू गाइज, बाय बाय।